उत्तराखंड को ऐसे ही देवभूमि नहीं कहा जाता। यहाँ पर हर देवी देवताओं का अपना अपना अलग महत्व है। कोई 3 साल बाद भक्तों को दर्शन देता है तो कोई 12 साल बाद। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माँ भगवती दुधियारी देवी जी की, जो कि 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद अपने भक्तों को दर्शन देती है। वहीं 12 वर्षों बाद देवी के बाहर आने पर 9 दिवसीय विशाल मेले और डोली यात्रा का आयोजन किया जाता है। साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में विधिवत पूजा अर्चना, शंख ध्वनि के साथ ज्योति दर्शन दिए जाते हैं। माँ दुधियारी देवी का प्राचीन मंदिर टिहरी जनपद के भिलगना विकास खंड स्थित गौनगढ़ पट्टी के पोनाड़ा गांव के समीप है, जबकि मंदिर के नजदीक ही एक पौराणिक शक्ति गुफा है जहां मां 12 वर्षों तक विराजमान रहती है। मां दुधियारी के 9 दिवसीय महाकुंभ मेले का शुभारंभ 12 साल के बाद क्षेत्रीय विधायक शक्ति लाल शाह, जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवाण और ब्लॉक प्रमुख बसुमती घनाता ने किया। कलश शोभा यात्रा के साथ मेले का शुभारंभ किया गया। इसके बाद माता का 7 गांव में भ्रमण हुआ, जबकि 15 दिसंबर को मेला समापन के बाद माता बाल गंगा तहसील के विभिन्न गांव में क्षेत्रीय भ्रमण करेगी, जिसके बाद मंदिर प्रांगण में अखंड देवी भागवत का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि वर्षों बाद ये पौराणिक मेला लगता है और कुल 12 वर्ष का समय जो है इसमें लगता है, जबकि यहाँ पर एक दिव्य गुफा है जो 12 वर्ष बाद ही खुलती है। बता दें कि वहीं उन्होंने बताया कि माता दुधियारी से जिनसे भी जो भी मन्नत मांगी जाती है वो मनोकामना पूर्ण होती है और हर 12 साल में एक बार यहाँ पर मेला लगता है और भक्तगण माता के दर्शन करने आते हैं। टिहरी से बलवंत सिंह की रिपोर्ट। आपको चाहे हटकुनी का विषय हो, चाहे दुधियारी देवी का विषय हो, चाहे बूढ़ा केदार का हो, चाहे आपका विश्वनाथ का हो, निश्चित घनसाली में बड़ी अपार संभावना है। निश्चित हम बहुत गंभीरता इन विषयों में चिंता कर रहे हैं और इसे आगे बढ़ा रहे हैं। गौनगढ़ पट्टी में आयु यहाँ पर दुधियारी देवी का मंदिर है, बहुत भव्य और दिव्य है और माता 12 साल में आज बाहर आई है। मैं यहाँ की जनता को, जिला पंचायत की ओर से, जनपद टिहरी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस समिति के अध्यक्ष जी को भी, जिन्होंने यहाँ पर ये भव्य मेला किया है और यहाँ पर माता का आशीर्वाद सब पर बना रहता है।